टू बैक माई न्यू व्लॉग। तो दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा चील महल, जो कि राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कामा तहसील में स्थित कामा में ही है। तो गाइस आपको पूरा चील महल के बारे में बताऊंगा और पूरा चील महल घुमाऊंगा, तो यार व्लॉग पर बने रहिए आखिर तक। चलते हैं फिर बैक कैमरे की ओर। मैं आपको चीन महल दिखाऊंगा आज, जो रातों रात बनाया गया था। यहाँ का लोगों का मानना है कि ये जिंद भूतों ने बनाया गया था और ये कामा क्षेत्र ब्रज भूमि के समीप में आता है। तो गाइस मैं आपको आज चीन महल के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या और कैसा है। तो गाइस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखना, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। दोस्तों यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं दिखाई होगी, मैं आपको एक एक चीज़ और एक एक कोना चीन महल का दिखाने वाला हूँ, तो एक बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में, तो जरूर देखना यार। तो दोस्तों ये फ्रंट से कुछ इस प्रकार दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये मैदान दिख रहा है जो इसमें लोग क्रिकेट वगैरह खेलने वॉकिंग वगैरह करने आते हैं मॉर्निंग टाइम में। और यहाँ पर मेला लगता है बहुत बड़ा, यहाँ पर दंगल होता है, आप देख सकते हो बहुत बड़ा मैदान है ये। तो गाइस ये है आपका चील महल, और इसके आप अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है और क्या है। यहाँ पर ये बहुत भूतिया माना जाता है, लेकिन देखते हैं यहाँ के लोग कहते हैं, और मैं अंदर जाके दिखाऊंगा अब आपको जैसा भी है। तो गाइस अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर छत नहीं है, ये पूरा खुला हुआ है। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लोगों ने कुछ इस प्रकार नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप, और कुछ हालत इसकी बहुत गंभीर कर रखी है, जर्जर हालत है एकदम इसकी। गाइस मैं आपको दिखा दूं तो इसके ऊपर तो ये आपको कामा शहर नजर आएगा, ये सारा आपको कामा शहर नजर आया यहाँ से। और गाइस ऊंचाई की बात करूं तो देखो मैं आप बहुत ऊपर खड़ा हुआ हूँ, आप हाइट के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। गाइस ये पूरा वहां से वहां तक चील महल दिखाई दे रहा है आपको, ये वहां तक। तो गाइस अभी अंदर चलते हैं ना, आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कढ़ाई की बात करी जाए तो देखो यहाँ पे खूब खूबसूरती की कढ़ाई की गई है, और बाकी आजकल इस पे साफ सफाई भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो अंकल जी आप बताइए कि यहाँ के बारे में। इसका बारे में ये करीब 500 साल पुराना है। अच्छा जी। और इसको कामसेन राजा ने बनवाया। कामसेन राजा ने जो दूसरा राजा था उसका नाम भूल गया, उसे आक्रमण हो गया था। अच्छा। इसको अंधेरे में छोड़ दिया। बताते हैं हम पुराने जमाने में ये जो एक रात में बनाया गया है। एक रात में कौन से सन में आपको पता हो? 500 साल हो गए। 500 साल हो गए इनको। अच्छा। बहुत पुरानी चीज है, जो चौरासी खम्भ है वो भी एक रात में बनाए हुए। एक रात में तो एक साथ बनाए हुए हैं दोनों। अच्छा। एक रात में वो बनाया। अच्छा। इसका कहानी है, अभी तक ये बताते सभी लोग। सभी लोग यहाँ पे जो भी है। थैंक यू अंकल जी आपके लिए। दोस्तों यहाँ पर बात करी जाए तो ये देख सकते हो आप, और मैं आपको यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी गुफा है, तो मैं अब आपको उसके अंदर ले जाने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे लोग फोटो शूट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये गुफा है, यहाँ का रास्ता बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए। हम देख सकते हो। तो गाइस ये देखो टूटा हुआ है, यहाँ से कुछ हालत ज्यादा ही जर्जर हुई पड़ी है इसकी। तो गाइस ये है अंदर जाने का रास्ता, और थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है, तो मैं आपको अंदर तो लेके जाऊंगा। तो गाइस ये कुछ नीचे आ गए हम, और नीचे कुछ इस तरह से बना हुआ है, शायद होगा 7 फीट 8 फीट इसकी ऊंचाई होगी इस वाले की। और गाइस ये एक ही दिन में बनाया गया था, और लोगों ने यहाँ पर बहुत ही गंदी हालत कर रखी है, आप देख सकते हो कुछ गलत सल्त लिखा हुआ है। गाइस इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि कुछ वीडियो में आ जाए लिखा हुआ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। गाइस मैंने आपको पहले ऊपर से दिखाया था, मैं और नीचे आ चुका हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने पहले ऊपर से दिखाया था आपको। यहाँ पर इतना ही था, आप चलते हैं वापिस ऊपर की ओर। और यहाँ पर बहुत ही खैर दिल के बड़े अच्छे इंसान है, देखो जानवरों के लिए पानी भी रख रखा है यहाँ पर। खैर ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा।
अभी ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर से नीचे का नजारा दिखाते हैं। तो गाइस ये पूरा जंगल टाइप का है, ऊपर से देख सकते हो आप, और ऊपर से कुछ इस प्रकार दिखते हैं। मैं और ऊपर जाके और दिखाऊंगा मैं आपको, ये पूरा जंगल दिख रहा है आपको, देखो पूरा जंगल टाइप का है। तो गाइस अभी ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर छत नहीं है, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। गाइस कभी भी आप आओ तो ऐसे रिस्क मत लेना, मैं बहुत सेफ्टी के साथ जा रहा हूँ यहाँ से, आप देख सकते हो इतना। देखो यहाँ से बहुत अच्छा नजारा है, फोटोशूट के लिए बहुत अच्छी प्यारी जगह है, वहाँ पे आप फोटोशूट करने के लिए भी आ सकते हो। यहाँ से पूरा कामा दिख रहा है आपको, सॉरी पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा, बहुत बड़ा है ये सिटी। मैंने बताया था यहाँ पर छत नहीं है, बिल्कुल छत नहीं है यहाँ पे। और ये जो आपको मैदान नजर आ रहा है, यहाँ पर मेले के टाइम में बहुत भीड़ होती है और दंगल लगता है यहाँ पर। और अभी लोग यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मेला जल्दी लगने वाला है, तो इसका तो मुझे फिक्स पता नहीं है। बाकी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप आइए और यहाँ पे इंजॉय करिए, फोटोशूट करिए यहाँ के। और गाइस कभी भी आओ तो थोड़ा सेफ्टी के साथ आए, क्योंकि ये बहुत जर्जर है, बाकी गिरने भी लगा है, आप देख सकते हो यहाँ से, देखो टूटने लगा है वहां से। आप कभी भी आओ तो थोड़ा सेफ्टी के साथ आइए। गाइस आप देख सकते हो पूरा टूटा हुआ है ये, देखो पूरा टूटा हुआ है वहां तक। ये छतरी नजर आ रही है आपको, ये पानी की टंकी बनी रही है अभी, और बहुत ही टूटा हुआ। तो गाइस आप कभी भी आओ तो ऐसे फोटो, ऐसी जगह पे फोटो शूट वगैरह करना मत, क्योंकि गिरने के चांसेस ज्यादा है। देखो कभी इधर से आओ ना तो इधर चलते हैं, इधर दिखाते हैं आपको, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा आपको एक एक करके, पूरा देखना तसल्ली पूर्वक। तो गाइस ये भी बना हुआ है, आप देख सकते हो टूटा पड़ा है, लेकिन पूरा थोड़ा जर्जर हालत है, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ। चलते हैं अंदर और देखते हैं वहां पे क्या है क्या नहीं है। लोगों ने यहाँ कांच तोड़ रखे हैं, बोतल तोड़ रखी है, और नाम भी लिख रखे हैं अपने। इसके अंदर क्या है ये देखते हैं एक बार। ओह माय गॉड ये क्या है दोस्तों, ये देखो टूटा हुआ है और नीचे ये पूरा धस चुका। गाइस पूरा जंगल है ये, जंगल टाइप का पूरा, वो देखो क्या बना हुआ है। वहां तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जाने के लिए रास्ता नहीं है, पूरे पेड़ पौधे हैं, और आप देख सकते हो वहां तक ये चील महल फैला हुआ है, वहां तक लास्ट वहां है। चलो मैं आपको लास्ट तक लेके जाता हूँ एक बार, फिर वापस आके नहीं दिखाऊंगा बाकी का। देखो ये तोड़ रखे हैं लोगों ने, टंकी के पास आ गया हम। तो गाइस देखो वाव, यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आएगा, आप देख सकते हो ये पूरा महल टूट फूट रहा है, देखो वहां से कैसे गिर रहा है ये, यहाँ से भी बहुत ही जर्जर हालत है। गाइस कभी भी आओ तो सेफ्टी के साथ आना, बाकी आगे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि गिरने का खतरा कुछ ज्यादा ही है, कई व्लॉग बनाने के चक्कर में। गाइस कुछ इस तरह आप देख सकते हो, थोड़ा कामा का नजारा देख सकते हो आप, वहां पे पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बाकी जंगल है यहाँ पे पूरा। अभी चलते हैं इसके अंदर, ये क्या है ये देखते हैं एक बार, ये ना हाँ ओहो, देख भाई गिरने की जगह है, ये वही छतरी जो मैंने आपको वहां से दिखाई थी, देख सकते हो आप पूरा खंडर, बहुत ऊंचाई पर हूँ इस टाइम में। ये पानी की टंकी अभी आधी बनी हुई है, मैंने आपको दिखाया चील महल पूरा जैसा भी था, अंदर जाके बाहर जाके तो बहुत मेहनत लगी है यार, धूप बहुत कैड़ी है। तो वीडियो को लाइक तो और वीडियो को शेयर कर दो यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो यार, आपका भाई हूँ। ऐसी वीडियो देखने के लिए बाय।
बने रहिए हमारे साथ। लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।